मसीही बिरादरी के कई लोग कच्ची आबादियों में जिंदगी बसर कर रहे हैं पाकिस्तान की आबादी के एक आशारिया पांच फीसद होने के बावजूद इनकी बहुत बड़ी तादाद सफाई सुथराई के पेशे से वाबस्ता है आखिर क्यों आसिफ अकील इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ अकील एक पेशावर सहाफी और एम पब्लिक पॉलिसी के तालब इल्म है आसिफ का थीसिस हिंदुस्तान की तकसीम के बाद पंजाबी मसीही बरदारी की ज़बरदस्ती नकल मकानी और गैर क़ानूनी कची आबादियों पर है मेरी तहकीक का मौजू पाकिस्तान में बसने वाली मसीही अकलियत उनकी तारीख और उनके सियासी और समाजी मसाइल हैं मैं इस वक्त जुदफ कॉलोनी में मौजूद हूँ जो कि लाहौर के एक गुनजान आबाद इलाके बदामी बाग में वाक़ है यहाँ पर रहने वाले ज़्यादातर मकिनों का ताल्लुक सफ़ाई सुथराई के पेशा से है दो हज़ार तेरह में मजबी नौत के इल्ज़ाम लगा कर सौ से ज़ायद मसीहों के घरों को नज़र आतिश कर दिया गया यहाँ पर रहने वाले मसीहों को तकरीबन चालीस साल पहले ज़बरदस्ती लाकर यहाँ पर बसाया गया लेकिन इनकी हिजरत का यह सफ़र अभी भी जारी है सत्तर आए तो 40-45 साल तो रहती है असि शेराना रहने चुप के हथे सुटिया अच्छे अं आ रैश की थी तो ज़्यादा ना जोधाफुल नहीं रखे मुड़ के उन्होंने उठाने की तो कोशिश है अगतिया उन्होंने कहा अलकाना घूक देंगे लख रुपया देंगे लाख रुपया देता तो मालकाना घूक नहीं दीते हाल तक पाकिस्तान की तकमी के बाद साठ हजार मसीही खानदान जो के दो से तीन लाख मसीही लोग बनते हैं पंजाब में इनको जबरदस्ती इनके गांव से बेदखल करके शहरों की तरफ धकेल दिया गया जहां पर ये लोग निचले दर्जे की नौकरियां करने पर मजबूर हो गए अगर उस वक्त पाकिस्तान ने इन मसीहियों का ख्याल किया होता तो आज जोजफ कॉलोनी और इस तरह की दर्जनों मसीही कच्ची आबादियाँ वजूद में न आती और ये लोग इस तरह की कस्मा की जिंदगी बसर न कर रहे होते पाकिस्तान में बसने वाले तकरीबन तमाम मसीहों के बबा का ताल्लुक किसी न किसी तरह से सेंट्रल पंजाब से है लेकिन अठारह सौ पचपन में होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ पर मसीहों की कोई आबादी मौजूद ना थी लेकिन इसके बाद पंजाब के मसबी मंजरनामे पर एक बड़ी तब्दीली वाक़ हुई अठारह सौ तिहत्तर में दित नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक नारोवाल के गाँव शहाब्दी के से था ने डॉक्टर सैम्यूल मार्टन से बपतिसमा लिया और वापस आकर अपने गांव और करीब के इलाकों में मसीहत की तबलीग का काम शुरू किया और अगले 30 से 40 सालों में तकरीबन 4 लाख के करीब लोग मसीहत में शामिल हो चुके थे दित का इंतकाल अप्रैल 1907 में हुआ क्या मैं पाकिस्तान के बाद प्लस मिशनरीज ने दित की याद में शहाब्दी के गांव में ये चर्च तमीर करवाया ਕਿ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 106 ਸਾਲ ਹੈ ਆਹ ਤੋਂ ਬਾਲਾਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹ ਮਿਸਤਾਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨਸਰ ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ ਆ ਕੀ ਬਾਲਾਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਾਲੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਬਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਇਹ ਬਿਜਾ ਪੈਸ਼ਾਲਕੋਟ ਆਏ कोई अंग्रेज सियालकोट उतरे तो लगे आज मसीह कर दे अपना आज मसीह कर दे सारे सफाई डर गया सारा ऐसा के कोई नहीं सिपाही ओना की था सियाल से सियालकोट उतरे तो अंग्रेज साम्राज्य ने 1857 में पंजाब को फता किया मगर भी पंजाब में दरियाओं को काट कर नहरों का एक वसीओ रीज जाल बिछाकर लाखों एकड़ बंजर ज़मीन को जेर काश्त ले आए अंग्रेज़ों ने इस काबिल काश्त ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा सिखों को दिया मशीक पंजाब के अजला से आए हुए सिखों ने आकर इस ज़मीन को आबाद किया इन सिखों के साथ उनके ख़िदमत गुजार यानी आथड़ी और सेपी भी आए सिखा कम कर रहे हैं ज़िए ज़िए और सब सारे पंजाब चंगा पेंड से जब चंगा थे जो सिख भी सन नहीं चंगा उन्नीस सौ की होने वाली तकसीम पंजाब के नतीजा में ये सिख जमींदार हिंदुस्तान को हिजत कर गए और इनकी ज़मीनें मुसलमान महाजरीन को तकसीम कर दी गई इसके नतीजे में ये देहाती मसीही मजारन लाखों की तादाद में बेरोजगार और बेघर हो गए इस सूरत हाल पर पंजाब असम्बली के पहले स्पीकर जनाब एस पी सिंघा साहब ने अपनी 20 जनवरी 1948 की स्पीच में कहा हजूरे वाला जरा गौर फरमाइए कि इन सिखों ने क्या हिमाकत की है कि साल साल इस सूबे में बसर करने के बाद यकलख्त इसे छोड़ दिया और हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर दिया हमारे फिर की तफसलत शायद हुकूमत को बेहतर तौर पर मालूम हो मगर हमारा अंदाज़ा ये है कि सूबा हजा में हमारे साठ हजार खानदान यानी दो लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं जो सिखों के सैपी या आथड़ी थे मगर गड़बड़ की वजह से अब बेघर हो गए हैं मसीहों की एक बड़ी तादाद को मार पीट कर और पुलिस तशद के जरिए से गाँव से बेदखल कर दिया गया इनकी ये तादाद अगले चंद सालों में मजीद और बढ़ गई पंजाब असम्बली के एक मसीही मेंबर सी ई गिबन ने उन्नीस सौ बावन में अपनी तकरीर में कहा द होल इवैक्यूएशन ऑफ क्रिस्टन सेमलेस एंड ऑन वर्ज ऑफ स्टारवेशन मुसलमान है आ गए हिंदू लोग उधर चले गए उसका तो बड़ा सोहना वक्त गुजरता तो रोजी ना ना उसे मिली वो हौली हौली शहर पिंडा साहब लगे उसे तकलीफा हो मजदूरी ला शहर चार बड़े कोई दिहाड़ी कर लाई कोई किसी तरह बैठा किसी तरह बैठा गाँव से बेदखल और भूख से न ढाल इन मसीही मुजाहन ने शहरों का रुख किया और नदी नालों पर अपने घर बसाने शुरू किए किसी भी तरह की तालीम और हुनर से बेबहरा होने के सबब इन मसीही मुजारीन के लिए शहरों में सिवाय सफ़ाई सुथराई के शोभा के किसी और पेशा से मुंसलिक होना मुमकिन ना था मैं इस वक्त आपके सामने लाहौर में शमा कचीबादी पर खड़ा हूँ यहाँ पर बसने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक मसीही कम्युनिटी से है और वो लोग हैं जो के क्या में पाकिस्तान के बाद गांव से होने वाली हिजरत से किसी ना किसी तरह से वापसता है ये वो आबादी है जहां पर लोगों को मालिकाना हकूक़ मिल चुके हैं लेकिन हम आगे देखेंगे कि कई ऐसी आबादी हैं जहाँ पर मसी आज भी मालिकाना हकूक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन हुकूमत उसमें कोई खात दिलचस्पी नहीं रखती देखिए जो बुनियादी इशू है कच्ची आबादी का आ, वो हाउसिंग का इशू है जो गरीब आवाम है आ, उनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो बड़े शहरों में ख़ास तौर पर ज़मीन ले उस पर घर बना सकें तो इसलिए शहरों के ऐसे इलाकों में जहाँ पर या गवर्नमेंट की ज़मीन है तो वो वहाँ पर फिर आके गवर्नमेंट की ज़मीन पर अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं इस वक्त पाकिस्तान में ऑलमोस्ट थ्री मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है अभी तक जो कच्ची आबादियाँ बन चुकी हैं को चाहिए कि उनको रेगुलराइज करे सत्तर की दहाई से मसीहियों की एक बड़ी तादाद मुजफ्फरगढ़ के कई गांव आबाद कर चुकी है मगर अब भी मालिकाना हकूक नहीं मिल पाए पुटो साहब की रोटी कपड़ा और मकान दे नारे थी। 75 दे चान के नारे से गवर्नमेंट की जमीन पी थी असि से खेमे लाए सन ਤੇ ਜਮੀਨ ਬੰਜਰ ਥੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕੋ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਉਹਦੇ ਖਾਲੀ ਖੋਦ ਲੈਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਛੂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸੀਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੇ ਨਾ ਇਹ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਆਬਾਦ ਰਕਬਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਚੀਆਂ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕੇ ਨੂੰ ਉਬਾਦ ਕੀਤਾ ਕਭੀ ਜੰਗਲ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੰਤੇ ਕਪੜੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇ ਪਰੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਲੇ ਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਇਟਾ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰੋੜ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ اسلامਬਾਦ ਮੇ 40 ਸੇ ਜ਼ਾਇਦ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਹੈਂ ਔਰ ਇਨਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕੀਨ ਮਸੀਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਜੀ ਸੇ ਤਾਲੁਕ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਮੁਹੱਤਮਾ ਬੇਨਦੀ ਫੁੱਟੋ ਕੇ ਦੌਰ ਮੇ ਇਨਕੀ ਕਈ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹਕੂਕ ਦੀਏ ਗਏ ताहम दो हज़ार पंद्रह में इस्लामाबाद की कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बाकी की कच्ची आबादियों को मस्मार करने का काम शुरू किया जिस पर यहाँ के मुकीन अदालत आलिया जा पहुँचे इन ही कच्ची आबाओं में से एक आबादी रिमशा कॉलोनी है जिसके रिहायशी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की जानब नज़र लगाए बैठे हैं जिस वेले ए... ਰਿੰਮਸ਼ਾ ਕੇਸ ਬਨਾਇਆ ਨਾ ਮੈਰਾਬਾਦੀ 12 ਜੀ 12 ਸੈਕਟਰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਮੈਕਸਮ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾ ਮੈਰਾਬਾਦੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਤਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਤਨਾ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ ਲਾਜਾ ਅਸੀਂ ਨੇਰੇਜ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ सन पानी तो भी कर दिता है और बहुत ही हो रही है। आजम जिना के हुक्म के बरक्स हमने रंग नस्ल मजहब और जात पात जैसे तासुबात को जिंदा रखा है 2015 तक हुकुमत पंजाब ने सफाई का काम सिर्फ गैर मुसलिमो के लिए मुख्तस कर रखा था एक मसीही खातून रुकन असम्बली की कोशिशों से इस पॉलिसी का तो खात्मा हो गया मगर इन लोगों की माशी और समाजी हालत बदलने का अब भी कोई बंदोबस्त नहीं सीडीए के सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए जवाब के मुताबिक इस्लामाबाद में मसीही आबादी मुसलमानों के लिए एक खतरा है और इनकी कच्ची आबादियां इस्लामाबाद के कुदरतीसन पर एक बदनुमा दाग है सी डी ए ने हुकूमत से यह भी गुजारिश की कि गांव में रहने वाले लोगों की हालत ज़ार को बेहतर बनाया जाए ताकि वो इस्लामाबाद का रुख ना करें उन्नीस में एस पी सिंघा साहब ने भी पंजाब असम्बली के फ्लोर पर यही गुजारिश की थी जिसके बाद देहातों में रहने वाले मसीहों को तीन से चार एकड़ ज़मीन देने का फ़ैसला किया गया तम वो सरकारी फाइल जिस पर ये अहकाम दर्ज थे अचानक सेक्रटेरियट से गायब हो गए गवर्नर साहब ने दरियात फरमाया कि इन देहाती मसीहों के लिए क्या हो रहा है लेकिन फिर भी फाइल का सुराग ना मिला अगर कोई ये कहे कि फाइल तब नमूदार होगी जब ज़मीनें खत्म हो जाएंगी तो क्या वो हक होगा इसके बाद पंजाब असम्बली ने उन्नीस में जश्न आजादी वाले दिन यह ऐलान किया कि देहातों में रहने वाले मसीहों को गांव में काश्तकारी के लिए जगह फराहम की जाएगी ताहम इस फैसले पर भी अमल दरामद ना हो सका अगर क्या पाकिस्तान के फौरन बाद तीन लाख से ज़ायद मसीहों को देहातों से बेदखल ना किया गया होता